हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि जो मानसिक रोगी रहते हैं उनको फिर से कभी कभी, कुछ लोगों को फिर से दौरा आता है मानसिक बीमारी का, तो उसके लिए क्या करें। क्योंकि एज ए साइकियाट्रिस्ट मैं बोलता हूँ कि नहीं, ये मरीज को कम से कम साल भर की दवा लेना जरूरी है, एक साल दवा लेना जरूरी है। और एक साल दवा लेता है तो फिर प्रिवेंशन मतलब होगा आगे अटैक के लिए, या रिलैप्स नहीं होगा। मगर होता क्या है कि अक्सर रिलेटिव्स ऐसा बोलते हैं, रिश्तेदार, कि नहीं, पेशेंट है ना हमारा, दवाई लेता नहीं, उसके बहुत पीछे लगना पड़ता है उसको गोली खाने के लिए। तो फिर इसलिए है, फार्मा कंपनी ने, काफ़ी सारे फार्मा कंपनियों ने ऐसी दवाई निकाली हुई है कि जो एक इंजेक्शन लिया तो उसका असर 15 दिन से लेकर 30 दिन तक चलता है। तो यदि हम वो उनको दवाई देते हैं तो हो सकता है कि वो मतलब मुंह से दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो जो रिलैप्स होता है, फिर से उसको दौरा आता है, वो दौरा भी नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है कि कुछ बीमारी ऐसी है कि कुछ दिन के लिए अच्छी होती रहे, मतलब अच्छी होती है, बिना दवाई के भी अच्छा रहता है पेशेंट, और कुछ दिन होने के बाद में फिर उसको रिलैप्स आ जाता है। जब रिलैप्स आता है तो जैसे नींद कम होना, या खाना नहीं, या गुमसुम रहना, ऐसा होता है, तब रिश्तेदार कुछ ख्याल देते नहीं है, और फिर एकदम जब भड़क जाता है, एकदम वायलेंट हो जाता है, तब फिर वो मेरे पास में लाते हैं कि देखो अभी इसका क्या करना। या फिर कुछ लोग जो है वो दवाई लेते ही नहीं, स्पेशली सस्पिशियस जो लोग हैं, जो शक, जिनको शक की बीमारी है, वो दवा लेते नहीं है। या फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा करो रिलेटिव्स को कि तुमने मेरे अनाज में दवा दिया होगा, खाने में दवा दिया होगा, तो ऐसा करो आप खाना खाओ, बाद में मैं खाऊंगा। कुछ दवाई ऐसी है कि उनको पानी जैसी दवाई है, वो पानी जैसी दवाई समझो दाल में या सब्जी में या राइस में ऐसे कहीं भी डाल दिया तो मालूम नहीं पड़ता, मगर वो पेशेंट बोलता नहीं आप खाओ, फिर मैं खाऊंगा, तो फिर प्रॉब्लम आ जाता। इसलिए एक इंजेक्शन उसको दिया और वो 30 दिन तक चले, तो फिर हर रोज़ दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अच्छा तरीका है पेशेंट को ट्रीट करने का। इसमें हेलोपेरिडॉल जो है उसका लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन है, फिर ज़ुक्लोफेनथिक्सोल करके दवाई है, उसका लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन है, रेस्पिरिडॉन का है, फ्लूफेनेजिन का है, ओलेंजिफिन का है, ओलेंजापाइन। तो रिश्तेदारों ने डॉक्टरों से ये दवाई मांगना चाहिए कि भाई ये हमको इंजेक्शन दे दो। जैसा मैं अक्सर जो यूज़ करता हूँ वो ओलेंजिफिन, काफ़ी बार मैं यूज़ करते रहता हूँ, जिसमें 210, 300, 400 मिलीग्राम ऐसे इंजेक्शन आते हैं। अक्सर मैं 300 या 400 मिलीग्राम यूज़ ओलेंजिपिन करता हूँ। और वो एक बार इंजेक्शन दे दिया तो वो महीना भर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें टोलाजेले करके है, मतलब मुझे ज़्यादा तो बहुत सारे कंपनियों निकाला नहीं है, मगर टॉरन का टोलाजेले करके जो दवाई है, मतलब जो इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन का मैंने काफ़ी इस्तेमाल किया और इफ़ेक्टिव है, और उसमें रिलैप्स भी कम आते हैं। तो वो इंजेक्शन दे दिया तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब जो ओलेंजिपिन की जो दवाई के वही साइड इफ़ेक्ट है, और बहुत सारी नींद भी आती नहीं है। और वो इंजेक्शन देने के बाद में वो धीरे 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 ब्लड में वो रिलीज़ होते रहता है, और उसका इफ़ेक्ट महीना भर चलता है। तो रिश्तेदारों को मुझे यही मतलब आह्वान करना है कि भाई आप डॉक्टर लोगों को ये मांग लो कि भाई हमको ये इंजेक्शन दो, ताकि उसका वो दवाई का असर महीना भर चलेगा और पेशेंट का मेंटेनेंस अच्छा हो जाएगा, और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी अच्छा हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव अच्छा होता है कि भाई डॉक्टर के पास में आने की ज़रूरत नहीं है, अपने गांव में अपने फैमिली फिजिशियन से कहीं भी वो दवाई ले लेते हैं, कहीं भी इंजेक्शन वो ले सकते हैं, ताकि साइकियाट्रिस्ट के पास में सिटी में जाओ, बड़े ठिकाने पे जाओ, वहाँ जगह पे जाओ, वहाँ इंजेक्शन लो, तो वो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो इसलिए वो कॉस्ट इफेक्टिव भी अच्छा हो जाता है, और ये दवाई यदि लिया तो रिलैप्सेस भी कम हो जाएगी। ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे आपके परिचित की जिनको ऐसा प्रॉब्लम होगा, तो उनको आप ज़रूर ये वीडियो शेयर करो। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप मतलब सब्सक्राइब करने वाली जो घंटी आती है ना, उसके ऊपर आप प्रेस करते हो तो मेरे जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाएगा। मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ जो है वो मोटिवेशन के बारे में है और मेंटल इलनेस के बारे में है। मेरा मिशन है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और एडिक्शन फ्री इंडिया। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल में हम मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, और एक दूसरा हॉस्पिटल है
जहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को बिना रिश्तेदार भर्ती करते और उनका मतलब रिहैब सेंटर जैसा है वो, तो वहाँ हम लोगों को भर्ती करते हैं। तो आपके परिचित जो होंगे जरूर उनको हमारे पास में भेज दीजिएगा और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में वो होता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।